हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पेरिलस स्फीयर में। तो दोस्तों, आपने बहुत बार देखा होगा कि जब हम कोई भी चीज़ को पानी में डालते हैं तो वो पानी में पूरी तरह से डूब जाती है और डूबने के बाद वो वापस नहीं आती। तो आज आपका भाई उसी डूबी हुई चीज़ को पानी में तैरा कर दिखाएगा। सबसे पहले हम एक बीकर लेंगे और फिर उसमें नॉर्मल पानी भरेंगे। अगर आपके पास बीकर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ट्रांसपेरेंट ग्लास या डिस्पोजल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हम एक आलू लेंगे और पानी में डाल देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, आलू पानी में पूरी तरह से डूब चुका है। अब हम पानी में से आलू को बाहर निकाल लेंगे। इसके बाद पानी में थोड़ा सा नमक मिलाएंगे जिससे कि पानी की डेंसिटी बढ़ जाएगी। अब हम चम्मच को पानी में घुमाएंगे जब तक कि नमक पानी में पूरी तरह से डिसॉल्व ना हो जाए। तो दोस्तों, मामला कुछ इस तरह है कि साइंस ये कहती है अगर पानी में नमक की मात्रा बढ़ाई जाए तो पानी की डेंसिटी बढ़ जाती है, और जब डेंसिटी बढ़ जाती है तो बहुत सी चीज़ें पानी में तैरने लगती हैं। अब देखना यह है कि क्या सच में ऐसा होता है। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। और एक बात दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने प्यारे हाथों की उंगलियों से वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। A few moments later.